हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्नो स्पाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोरल ड्रॉ में बहुत सारी फाइल्स को एक साथ जेपीजी में कैसे सेव कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमें कोरल ड्रॉ खोल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यह फाइल खोल रखी है। इसमें हमारी 66 पेज पे ये फाइल बनी हुई है। हम आपको 66 का पेज भी दिखाते हैं, जैसे ये आप देखिए 65 पे भी, सब पे ये फाइल्स बनी हुई है। अब हम इसको अलग अलग सेव करेंगे तो एक एक करके सेव होगी, लेकिन मैं आज आपको यह बताऊंगा कि हम हर एक फाइल को एक ही बार में कैसे सेव कर सकते हैं जेपीजी में। सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में आके मैक्रोस, मैक्रोस के बाद रन मैक्रो। ये हमारे यहाँ ऐसे खुलता है। खुलने के बाद जो ये ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे, फाइल कन्वर्ट, हमें ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद रन पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछता है सोर्स की, सोर्स मतलब कौन सी फाइल हमें लेनी है। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे फाइल्स को चूज़ करने के लिए। जैसे मेरी जो फाइल है वो मेरी फाइल यहाँ पे इसमें जाके ये वाली फाइल है, उसको हम ओके कर दें जो कि मैंने ले रखी है। अब इसमें बहुत सारी फाइल्स आ रही है, ऑल फाइल्स, हमें CDR फाइल देखनी है। CDR फाइल है ये वाली, अब इसको हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ओके। अब पूछते डेस्टिनेशन, हमें इसको कहाँ सेव करनी है। मैंने यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर बना रखा है, इसको हमें सेलेक्ट करना है और ओके। अब हमें जो मेन है कि JPG में कैसे सेव करें, हम इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू। चाहते हम ये लिखा है JPG, JPG पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने का सेव ईच पेज सेपरेट फाइल्स, इस पर हमें क्लिक करना है। रेजोल्यूशन हम 350 रख देते हैं। अब विड्थ और हाइट हम अपने हिसाब से कर देते हैं, हमें 200-200 मैंने रहने दिया और हम कन्वर्ट कर देंगे। अब ये फाइल क्या है, कन्वर्ट हो रही है। आपको ये देखना फाइल कैसे कन्वर्ट हो रही है। हम विंडो ई करते हैं, माय कंप्यूटर खोल लेते हैं। माय कंप्यूटर खोलने के बाद जहाँ पे हमने इसको डेस्टिनेशन दिया था वहाँ जाते हैं। न्यू फोल्डर मैंने जैसे दिया था, क्या आप देख रहे हैं ये सेव होना स्टार्ट हो गई है। 212223 ये आगे का इसका नहीं है और बाकी ये आगे बता रहे कि कितनी फाइल्स वो थी हमारी। तो ऐसे करके करके ये पूरी 66 हो जाएगी। आपने जैसा देखा आप इसको एक एक स्टेप देख के करिएगा और आराम से करिएगा। आपने कुछ भी गलत किया वो सेव नहीं होगी, क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था तो मेरे से भी सेव नहीं हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ऐसी चीज़ें फिर दोबारा से बताता रहूँगा नई नई चीज़ें। और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।